अब बात करते हैं नंबर दो की। तो बेंटन क्लासिक में तुम्हें अपग्रेड तो याद ही होगा, जो किसी चीज को टच करते ही या तो खुद उसमें बदल जाएगा या तो उसे अपग्रेड कर देगा। और ओमनीवर्स सीरीज में हमें देखने को मिलता है कि कैसे अपग्रेड की स्पीशीज फॉर्म हुई थी। पहली बार दिखाया जाता है कि एजमथ अपने यानी कि गैल्वन प्लैनेट के मून पर जाता है, जो एकदम खाली पड़ी हुई थी, एकदम वीरान, एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम परफेक्ट जगह। तो एजमथ अपने नए बनाए डिवाइस को वहीं पर टेस्ट करता है और टेस्ट करने की वजह से वहां पर अपग्रेड स्पीशीज का जन्म होता है। और एजमथ जब अपने डिवाइस को बंद करता है तो उसमें से एक आधा अधूरा डीएनए वाला अपग्रेड जन्म लेता है, जो मैलवेयर होता है। और यहीं से मैलवेयर की कहानी शुरू होती है। अब आते हैं नंबर तीन पर। तो मैं बेंटन क्लासिक में ये वाला सीन तो याद ही होगा, जब बेंटन पहली बार ओमनीट्रिक्स को देखता है। ग्वेन से थोड़ी बहस होने के बाद बेंटन अपना मूड ठीक करने के लिए जंगल में निकल जाता है टहलने के लिए, जहां उसे एक शूटिंग स्टार दिखाई देता है। और ये शूटिंग स्टार गिर तो सीधा ही रहा होता है, लेकिन बेंटन को देखते ही उसकी तरफ आने लगता है। और बहुत टाइम बाद ओमनीवर्स सीरीज में जाकर इसका खुलासा हुआ कि बेंटन के पास आखिर ओमनीट्रिक्स पहुंचा कैसे। मतलब जब ओमनीट्रिक्स विलगैक्स के शिप से गिर रही थी ना, तब पैराडॉक्स नो वॉच बेन को बताते हैं कि इसकी ट्रेजेक्टरी ऑफ है, ये बेंटन के पास अपने आप नहीं पहुंच जाएगा, तुम्हें ही कुछ करना होगा। अब बेंटन प्राइम को उसका ओमनीट्रिक्स मिल जाए, इसलिए नो वॉच बेन कैनन बोल्ट में बदलकर ओमनीट्रिक्स को हिट करता है, जिससे वो बेन की ओर जाकर गिरता है।